कि आगे बढ़े। आपको बताएं कि कोटली आजाद कश्मीर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल गायब हो गया। पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल देना बंद कर दिया। पेट्रोल की फराहमी ना होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम से। जी नदीम, बताइएगा कि पेट्रोल की सप्लाई आखिर कब तक बहाल कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, कोटली आज़ाद कश्मीर में भी जो पेट्रोलियम मुनसियात हैं उनकी कीमतों में कमी के बाद कोटली आज़ाद कश्मीर के तमाम पेट्रोल पंप मलकान हैं उन्होंने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी है, जिसकी वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और प्राइवेट गाड़ियों के मलकान हैं वो शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। उनका कहना है कि जब भी पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाती है तो कोटली में पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ज़िली इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ऐसे पेट्रोल पम्प मलकान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए जो पेट्रोल की मसनू किल्लत पैदा करके आवाम को मुश्किलात से दोचार करते हैं। जबकि हमने इस हवाले से फिर ये फैसला किया कि लेकिन